स्टमक के पार्ट्स पूछे थे, किसको पता है? अगर मुश्किल करके कहना चाहो तो कॉर्पस इंग्लिश में बोलो, बॉडी वो कहाँ होती है? जवाब दे दो, आगे निकलने का मौका दोगे। ये जो चीज बनाई है
इससे भी आपने ऊपर बताया, इन्होंने तो फिर भी इसकी बिल्कुल करी पा रहे हैं, आप तो इससे भी काफी ऊंचा पा रहे हैं। और ये पाइलोरस तो किसी को कह रहा है सबसे सही फर्स्ट क्लास थोड़ा सा क्या है पाइलोरस नहीं कह रहा है ये है छोटा ये तो बात वसीयत करें तो ऑर्गन होता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, सिस्टम होता है डाइजेस्ट, टॉप से पार्ट बाहर छोड़ दिया जाता है, ये तो हो गया इंसान का, ठीक है वो उसकी से खाया हो यहाँ पे ये इतना हम अपनी नहीं होता ना तो लड़की थायरिक्स होता है इस पर सो लिए थायरिक्स है यहाँ आगे ठीक है ऑर्गन सॉरी स्पेल बोल रहे हैं पहले पढ़ के तुझे जाना चाहिए थोड़ी होता है वो बच्चा अगर जो बैठा हुआ है पीछे अगर ये बगैर पढ़े पहुंच जाता है कैसा मेरा एडमिशन जब होगा तभी बताऊंगा स्टॉमक क्या होता है ये पूछा था ना आपसे स्टॉमक क्या होता है आपने पूछा था डाइजेशन क्या होती है बगैर पढ़े आ जाता तो एडमिशन हो गया दो बजे तो चोरी खबर कर दी ठीक है तो मेडिसिन का क्वेश्चन चलिए बता दो इरादा क्या है कौन सी किताब पढ़ो डेविड सेंस पढ़ लोगे और किसने मुझे बताई थी किसने आपका क्या इरादा या पढ़ना शुरू कर दिया आप भी डेविडसन पढ़ेंगे आप अगर डेविडसन पढ़ेंगे तो उसमें तो ये नहीं आती तरह उसमें बहुत सही है ये फर्क है अमेरिकन स्कॉलर अंग्रेज को ब्रिटिश स्पेलिंग में वो सही चलो भाई जो ध्यान ध्यान से शुरू होता है सोफे का सागे स्टॉमक आ गया फिर ये आ गया डीमन डीमन क्या चीज थी फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन फिर क्या होता है सेकंड और ये बाद में होता क्या फिर ये हुआ थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट अभी कहां दे रखे स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सी ये क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन की जेजिनम जेजिनम के बाद आता है इलियम ये है इलियम इलियम का मूवीज सीसा का सेकंड कोलन सी का कोलन में क्या होता है सही है कोलन का ही पार्ट है कोलन का ही पार्ट बाकी पार्ट होता है सेकंड कोलन सेक्शन सांस का कोलन सेकंड कोलन सिकोइड कोलन एक रेक्टम का उत्तर है एनएफएस क्या चीज में सोफिटाइजेशन सिस्टम दिस ओनली क्या चीज में सोफिट कनेक्शन पढ़ाई का मेरा इरादा था नहीं पढ़ाया क्या मैंने आपको बताया कोई भी कह सकता है पता नहीं आप मुझे बताए क्या पूछ रहे मकसद ये था कि आपका एडमिशन अगर हुआ है नवंबर 2000
2017 में 5 डेवलपर वो जो हुए एक बात जो मैं हर साल तो मैं 2 साल से नहीं आया हूँ लेकिन जब आता हूँ और फाइनली से करता हूँ वो कुछ बात आपसे भी कर लो आप लोगों पे आपके ना चाहते कुछ बातें होती हैं जो आप इरादा करके ख्वाहिश इरादे मेहनत के जरिए आए और कुछ लोग हैं जो झंडे के जोर पे अब बनाना चाहते जबरदस्ती अच्छा नहीं बता रहा कितने लोग जबरदस्ती एडमिशन में नहीं पढ़ना चाहते थे एक तो तुम्हारा और कितने लोग हैं जो नहीं चाहते थे और जबरदस्ती बना दिए गए मेडिकल स्टूडेंट और कितने लोग चाहते थे तो बाकी लोग हैं वो क्या करते थे अनाथ पसंद तो जो अल्लाह ने चाहा बस खुद हमें कुछ नहीं चाहता तो ये तो अपने इरादे और मेहनत से खुशी से और कोशिश से आप लोगों ने किया सब कुछ अल्लाह ताला ने आपको अजर दिया चाहते थे वो करने में कामयाब यानी एडमिशन होते होते जिंदगी के साथ साथ एक स्टेज आता है कई स्टेजेस आते हैं जैसे एक स्टेज आपका अब आया वो है फाइनल ईयर का शुरू इंशाल्लाह बदल जाएगा इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब पास होंगे सब मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट बन जाएंगे जैसे ही बन जाएंगे पर तो उससे भी पहले ऑलरेडी एक जिम्मेदारी एक बोझ एक फजीलत वो आप लोगों पर डाल दी गई एक कहावत है ग्रेटनेस greatness some people achieve greatness some are born great and some have achievedness thirst upon them ठीक है अब आप इसमें से किस कैटेगरी में आते हैं कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट बन के ये जो फजीलत ये जो आपकी जिम्मेदारी आपको पहले से पता था खुद अपने जोरे बाबू से हासिल की या पे डाल दी जो भी इसको समझ लें ज़्यादातर से ज़्यादा सौ तक डाल दी जाती है उनको पता भी नहीं होता कि वो इस जो कुछ आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पे ये भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल थिंग कुछ बातें होती हैं जो इंसान जब उसके साथ हो रही होती है उस वक्त इतना रियलाइज नहीं करता कि बाद में जाकर रियलाइज करता है पीछे उठ के देखता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ ज़िंदगी में तब उनको समझ आता है अच्छा ये भी वर्ग उनमें से एक चीज़ हो रही है आपके साथ ऑलरेडी अब होना शुरू होती है जब से आप पहले लेना है और आई डोंट नो ही रियलाइज मैंने नहीं किया ज़्यादातर तो लोग नहीं करते बहुत कम होते हैं करते हैं और वो भी जब गिन मिल जाती है जैसे कभी मिलती है वो यही है वो ग्रेटनेस है फाइनल ईयर किसी भी मेडिकल कॉलेज का या किसी भी कॉलेज का जहाँ पर फाइनल ईयर होता है उसकी पहचान होती है उसकी कॉलेज का चेहरा होता है बॉडी तो सबकी है सबकी बॉडी है ठीक है क्योंकि मैं देख कर रहा हूँ आप लोग चेहरे को देखो क्योंकि वो आपकी पहचान है उसी से मुझे नज़र आता है कि आप कौन है आपके मसल्स बने हुए हों टांगे ज़बरदस्त हों फुटबॉल खेलते हो जो मुझे तो आपको पहचानना है कि ये साहब जो है माशाल्लाह मास्क लगा के बैठे रहे हैं और इनका जो चेहरा पूरा नज़र नहीं आ रहा था वो साहब दाढ़ी भी है और चश्मा भी है मेरी तरह आप उसका मैं इस तरह ये आगे पहचान ठीक है आप अपना चेहरा देखती हैं तस्वीर तो आप लगाती हैं पासपोर्ट के जिस पर भी इसी तरह फाइनल ईयर मोहम्मद मेडिकल कॉलेज की पहचान आ गई प्रोफेसर अजीम होंगे शाम साहब भी हों आदि साहब भी बहुत ही जितने भी आपके डॉक्टर टीचर्स रहे हैं और होंगे तो सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं अगर कोई एकेडमिकल
तक के इस कॉलेज में आता है, इंस्पेक्शन होते रहते हैं कॉलेज के हर साल आते हैं, इंस्पेक्शन ना भी करना चाहता हूँ तो वैसे ही आके देखना चाहता हूँ कि कॉलेज के स्टैंडर्ड क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका वो यही होता है, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो जानते हैं वही करते हैं, फाइनल वो आके आपसे बात करते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये हो गई ऊपर से देखने में, ऊपर के लेवल से ये भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी और पहचान नहीं है, है बहुत अहम है, उतनी अहम नहीं थी अब ना सकते कह रहे हैं जिससे रियलाइज नहीं करते, ये तो इतना तो फिर भी बहुत सोच समझ जाते हैं। अब जो मैं कहने लगा ये लोग रियलाइज नहीं करते अक्सर तो बात नहीं करते, ये लोग तो बैठ के मेरी गुफ्तगू हर दफा अब तो दो तीन साल का ऑफिस घूम गए बताओ सकते हो, लेकिन है अहम बात। जब आप कॉलेज आते हैं ना कभी छुट्टियाँ कॉलेज ज़्यादातर कॉलेज क्लासेस बंद नहीं करते, 20 ईयर से शुरू होगी सर, शुरू होगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाला एडमिशन हो गए, लिस्ट लग गई फर्स्ट ईयर की, लिस्ट लग गई क्लासेस शुरू होगी, फिर तो आपके बाद ज़्यादा अच्छे से होते हैं। जब आप कॉरिडोर में निकलते हैं हॉस्टल में रहते हैं कॉरिडोर में जो भी करते हैं, आपको जब पहला साल आपका पहला दिन आपका याद है, जब उन्होंने तारीख भी बता दी दिन भी बता दे टाइम भी बता दें, पहला दिन इंसान भूलता नहीं, चाहे उसको डिटेल्स भूल जाए लेकिन कुछ बात उसकी याद रहती। जब आदमी पहला दिन होता है मेडिकल कॉलेज में बहुत सी बातें रियलाइज नहीं करता है, उसमें से एक बात यही है उसकी कि इंप्रेसनेस, कॉलेज की बिल्डिंग, क्लासरूम, टीचर्स, जिसने इंटरव्यू लिया वो रजी सर साहब, ये लोग सबसे ज्यादा इम्प्रेशन जो होता है उसका फाइनल रजी साहब होंगे ग्रेट, इंग्लैंड की जो कुछ भी कहती है हमारे उन्होंने इतने बड़े शायर होंगे इतने बड़े जो कुछ भी कहते हैं, फाइनल ईयर की स्टूडेंट है आपकी अजमत का कोई मामला नहीं, ठीक है आपको जब देखते हैं ना फर्स्ट ईयर का बच्चा इस तरह बैठा क्योंकि अच्छा ये अजीब बात है उन बच्चों को नजर आता है कि ये जो है ये साल ये अभी पिछले साल फाइनल पास के डॉक्टर बना, लेकिन ये डॉक्टर भी जैसे फाइनल ईयर स्टूडेंट के स्टूडेंट की बात ही अलग है, फर्स्ट ईयर वाले के तहत उससे ज़्यादा अजीम खलकत ही नहीं है दुनिया। अगर ये दिन मिस हो जाए किसी से जो पहली दफ़ा फाइनल ईयर के स्टूडेंट को देख रहे तो फिर अब एक प्रोसेस है, अगर फर्स्ट करें कि ग्रेटनेस में कोई और उससे ज़्यादा था फाइनल आप लोग उससे ज़्यादा था, अब ये प्रोसेस जो है ना एक साल का इसमें वो सब चीज़ें मिल जाती हैं और आपके अंदर और उनके सामने फर्स्ट ईयर के अंदर। अब वो ये देखता है कि आप किस वक्त क्लासरूम में आते हैं, गाजी खान से कब बस यहाँ पहुँचती है, अब वो ये देखता है कि आप किस तरह बैठते हैं क्लास में, आगे बैठ के छुप कर देख रहे हैं या पीछे बैठ के हाथ मार के मास्क लगाए बैठे, अब वो ये देखता या देखती है कि आप चल कैसे बात कैसे कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बोल रहे हैं हल्की आवाज में बोल रहे हैं, यहाँ तक देखता है और ये नहीं कॉन्शियसली दे रही वैसे ही नोटिस कर रहा होता है सब कॉन्शियसली, यहाँ तक के ये लतीफे जो आप सुनाते हैं दूसरे को, आप तो अपने दोस्त को सुना रहे हैं आपको तो पता भी नहीं कि आपको नोटिस किया गया, फाइनल जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है वो देख भी रहा होता है सुन भी रहा होता है और वो लतीफा घूमता भी नहीं करता जो आपने कितनी बेकार की, वो लतीफ़ा जब उसको सुन लेता है ना तो वो आप ही के अंदाज में अपने दोस्तों को ये घर जाता है, जब डेरा बाजू खान तो अपने बच्चों को अपने बच्चों को अपने बहनों भाइयों को है कुछ शादी शुदा कोई नहीं आएगा बेटा ये वक्त भी आएगा तो अभी फाइनली अपने फुलाइल सुन लो शादी शुदा के फुलाइल आपको कोई और सुनाएगा किसी और, तो
धरती पे जाता है उसके लिए बोलता है। जब वो जाएगा वापस अपने दोस्तों में बैठेगा, ये बैठेगी और अपने बहनों भाइयों में बैठेंगे, पेरेंट्स के सामने बैठेंगे, जब हल्का मूड होगा गपशप चल रही होगी उसको लतीफ आ जाता है, अहले घर वालों को उनसे सुना उसी अंदाज में उसको सब दोहराएगा और समझेगा कि कितना ज़बरदस्त मैंने फिल्म बनाया, बड़ा हैरान होगा कि बाकी लोगों का पसंद भी नहीं है। उसकी नज़र में उस लतीफ़े के हिट ना होने के नतीजे में फाइनल ईयर वाले की अजमत कम नहीं हुई, ये सुनने वाले इनको समझ में नहीं आता इनकी लेवल आई क्यू का फाइनल ईयर में कुछ नहीं। अब वो चलता है तो आपको कॉपी करता है, वो बोलता है तो आपको कॉपी करता है, सब कॉन्शियस, ये नहीं कह रहा मैं कि वो जानबूझ कैसा कर रहा है, वो होता है नेचुरल है, हो गई। अब प्रॉब्लम इससे क्या आया, प्रॉब्लम ये आया कि आपके ऊपर जिम्मेदारी बन गई। अब आप ये कह के फायर नहीं हो सकते कि मैंने तो उसको कुछ नहीं सिखाया था, ये जो कह रहा है कि मैंने जो गड़बड़ की है अपनी जिंदगी में ये तो मैंने इनको देखी थी जो पास में रहते थे और पहले मेडिकल बेड पर जो पढ़ते थे जिनको हॉस्पिटल में आया था, इससे मैं जो भाई खुदा की कसम मैं तो लालच करता हूँ, अब तक एक दफ़ा कर दी थी मैंने गलती से, उसके बाद से मैंने कभी की थी तौबा कर ली थी फौरी तौर पर टाइम एज पास जो होना था वो हो चुका है। आपका वो कॉपी करेगा और उसको उस पर फखर करेगा, समझेगा कि अजमत इसी में। ये मैंने कहा था कि आप दबक के बैठ जाएं, बड़े सेल्फ कॉन्शियस हो जाएं और ये सोचें अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारें, लेकिन ये जहन में रखें आपने कहीं बैक ऑफ द माइंड में रखें कि ये चीज़ें आप पर खुद बखुद आ गई हैं, इससे आपकी अपनी ग्रोथ में अपने कैरेक्टर बिल्डिंग में आप हेल्प है, अगर आपको अंदाज़ा हो कि ये चीज़ें आप पर आ रही हैं। इसको थोड़े से और अंडरस्टैंडेबल लेवल पर ले जाइए तो अपने अपने घरों में चले, आप में से फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड कौन कौन है फैमिली तो सारे आधे से ज्यादा, और लास्ट बॉर्न आपकी आपकी कितने बहन है और कोई है जिसके दो से ज्यादा हो, छह माशाल्लाह तीन आपका है बीच में लास्ट बॉर्न है आप लास्ट बॉर्न है तो जो छोटे होते हैं बहन भाइयों में वो अक्सर अब वो ये हमेशा नहीं होता क्योंकि वो प्रोसेस बहुत लंबा है, वो एक साल की बात नहीं है, वो तो जिंदगी भर की बात है, लेकिन जो फर्स्ट सिबलिंग है ना, फर्स्ट भाई ये बहन है, उसकी कॉपी और उसको अजीम समझना, माँ बाप ये देखो माँ बाप से ज़्यादा बड़ा समझते हैं, लेकिन एक नेचुरल अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा है कि वो माँ बाप से ज़्यादा अपने बड़े भाई बहन की कॉपी ज़्यादा करते हैं, ऐसा है छोटे जो जो है वो क्या कहते हैं नहीं ऐसा, आप अपने भाई जो भी सर सब चिड़ खैर होता है, ऐसा भी होता है यानी ये भी होता है कि मैं आपकी बात नहीं करूँगा आप हमारा हो जाइए, ऐसा भी होता है कि कभी भाइयों में बहनों में बनती नहीं, कि ऐसा नहीं होता कि शुरू से नहीं बनती, आगे जाके कहीं गड़बड़ होती है, उसकी वजह भी यही होती है कि वो अपने बड़े भाई बहन से इतने इंप्रेस होते हैं कि जब वो तसव्वुर उनके जहन में जो था अजमत है वो टूटता है तो फिर चढ़ जाता है, ये क्या बात है। उसकी भी पैराडॉक्सिकल इसकी वजह भी यही होती है, बड़ी वजह यही होती है कि वो अजमत के मैार पे जो आपने सोचे हुए थे उसको पूरे नहीं उतरे प्रोसेस में उन्होंने गड़बड़ कर दी, तो ये आप लोगों पर ग्रेटनेस थ्रस्ट कर दिया, आप यू मे बी बॉर्न ग्रेट, यू मे हैव अचीव्ड, यू हैव अचीव्ड ग्रेटनेस, पहले लगाना कोई मजा नहीं है, चार साल आपने लगा दिए 5 नवंबर 2017 से लेके आज फर्स्ट सेकंड मार्च 2022 11:25 आप बैठे हो कैसी 35 मिनट, ये जो आपने गुजारा है ऐसे तो नहीं गुजार दिया, कुछ कुछ मेहनत की होगी, कुछ ना कुछ काम किया होगा, कुछ कुछ सीखा होगा, ये यू हैव अचीव्ड ग्रेटनेस एज़ वेल।